जय हिंद दोस्तों, ये खबर मीरा भाईंदर के कोविड 19 अपडेट से संबंधित। आज मीरा भाईंदर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। जी हाँ, कल तक ये संख्या 32 थी और आज बढ़कर 36 हो गई है। तो मीरा भाईंदर में अब कुल 36 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से 2 की दुखद मृत्यु हो चुकी है, 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अब कुल 32 कोरोना एक्टिव पेशेंट मीरा भाईंदर के हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 1011 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें 371 लोगों ने 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट कर लिया है। 640 लोग ऑब्जर्वेशन में हैं, जिसमें 473 होम क्वारंटाइन, 108 क्वारंटाइन सेल में और आइसोलेशन वार्ड में 59। आज जो 4 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं, उसमें से 2 भाईंदर ईस्ट के हैं और 2 मीरा रोड के। स्थिति भयंकर है और ये स्थिति को हमको कंट्रोल में लाने का है, तो इसके लिए 100% हम लोग संचार बंदी कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में हमारे सभी पदाधिकारी थे, DYSP थे और हमारे आयुक्त भी थे, तो चर्चा की। तो उसमें ऐसा हुआ कि भाजी मंडी जो है वहाँ पे ज़्यादा करके भीड़ होती है, लोग भाजी लाने के लिए आते हैं, फिर ये रेशन दुकान के लिए लोग आते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके एक्शन उठाना चाहते हैं ताकि लोगों को भी तकलीफ न हो। तो आज हमारी बैठक में ऐसा हुआ कि भाजी मंडी पहले तो आज बंद हो जाएगी, कल ही उसके कमिश्नर ने आदेश भी निकाले हैं, मगर उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ सोसाइटी में भाजी मंडी चालू रखने वाले थे और जहाँ पे रास्ते पे जो भाजी मंडी है वो बंद करने वाले थे, मगर हमने ऐसा तय किया कि पूरे शहर की भाजी मंडी बंद हो जाए, क्योंकि भाजी मंडी का जब सब्जेक्ट आता है तो पूरा शहर के लिए करो। तो एक सोसाइटी में अगर हम बेचने शुरू करते हैं तो दूसरे सोसाइटी के लोग वहाँ पे मिलता है करके वहाँ पे आके भीड़ कर सकते हैं, तो ऐसे समय पे एक ही आप निर्णय लो, ऐसे हमने आयुक्त को कहा और उस प्रकार आज पूरे शहर के लिए भाजी मंडी हम बंद करवा रहे हैं। उस टेस्ट को भी लेकर एक चर्चा हुई कि हाँ जी हाँ, वो टेस्ट के लिए हमने सर को बोला कि टेस्ट के लिए लोगों को रुकना पड़ता है, 4-4 दिन 5-5 दिन वो रिपोर्ट नहीं आता है तो तक वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि मेरा रिपोर्ट क्या आएगा, वो ठीक से मतलब परेशान होता है। तो ऐसे परेशानी लोगों में न होए और ऐसे पेशेंट के लिए यहाँ पर हमारे शहर में ही उसकी टेस्ट की जाए तो अच्छा रहेगा। उसके लिए हमारे नगर सेवकों का निधि लगेगा तो भी हम देने के लिए तैयार है, महापौर निधि में से होता है तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ और हम वो करेंगे। ऐसा है कि आयुक्त साहब ने जो आदेश निकाला था या जिलाधिकारी का जो आदेश था उसमें भाजी मंडी के बारे में लिखा हुआ था, ना कि उसमें अपने जो अनाज की दुकान को बंद करने के लिए लिखा था, वो क्लियर कट था। और हमारा जो लेटर था उसका तो ये था कि आज मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग में हम तय करेंगे सभी को विश्वास में लेकर, जिसमें आयुक्त भी रहेंगे और सभी पदाधिकारी रहेंगे, और उसमें विश्वास में लेकर हम तय करने वाले हैं कि हम अनाज की दुकान भी बंद करेंगे कि नहीं, मगर हमने ऐसा तय किया है कि अनाज की दुकान हम नहीं बंद कर रहे, ना ही हम दूध की डेयरी बंद कर रहे, क्योंकि जो अत्यावश्यक चीज़ है वो तो चालू रहने वाली है, जो उनका टाइमिंग जो पहले से था 9 से 5 बजे तक वही होने वाला है। मैडम, कुछ NGO जो खाना पहुंचाते थे लोगों तक, गरीबों तक, पुल तक खाना, मतलब ऐसे लोगों के जो परमिशन है वो रद्द कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कई जगह पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है। कल मैं मीरा रोड स्टेशन पे गया था, वहाँ पे 15 से 20 बेघर जो है उनको खाना 2 दिन से नहीं मिल रहा था, उन लोगों तक जो खाना नहीं पहुंच रहा है उसके लिए क्या करेंगे आप? ऐसा है कि जो सेवाभावी संस्था यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है, मैं उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा कार्य उनके माध्यम से हो रहा है कि आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में जितने भी गोर गरीब जनता है, जो बांधकाम कामगार है या मजदूर है या आदिवासी क्षेत्र है, झोपड़पट्टी इलाके हैं, तो वहाँ पर सभी ये सेवाभावी संस्थाएँ पहुँच कर वो अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मगर कुछ ऐसा भी हुआ कि उनके पास को रद्द किया गया,
क्यों रद्द किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे ही दो दिन के लिए पास लिए और फिर उनका गैर वापर किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कमिश्नर ने वो पासेस बंद करने का आदेश दिया था। जब आदेश देने के बाद में मालूम पड़ा कि ऐसे संस्थाएँ जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, और तो उनको हमने निकाल दिया है, और अभी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली संस्था है तो उन्हीं पासों पर वो काम अभी पूरे शहर में कर रही है। और आज की डेट में हमने कम्युनिटी किचन को हमने साइड में रखा है, अभी तक वो फैसला नहीं हुआ है। मगर जो सेवाभावी संस्था है वही संस्था सभी इलाकों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। लोक प्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके के जो गरजमंद लोग हैं, जो जिनको मतलब खाना पहुँचाना ज़रूरी है, ऐसे लोगों की लिस्ट दी है, तो वो संस्था है नगर सेवक को संपर्क करके वो अपने एरिया में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पब्लिक किचन की शुरुआत हुई या नहीं? नहीं, पब्लिक किचन की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। कब तक होगी? उसके बारे में अभी तक तय नहीं हुआ है। पब्लिक किचन नहीं होने वाला है। वही जो हमने जो कहा ना कि जो संस्थाएं कर रही है उन्हीं के माध्यम से वो होने वाला है। महानगर पालिका उसके लिए खास करके कम्युनिटी